कहाँ से हैं? जी हम लखीमपुर जिला खीरी, लखीमपुर खीरी। खीरी उससे 75 किलोमीटर आगे सिंगाही, नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर से। हाँ। और ये दोनों बच्चे कितने साल बाद हुए हैं शादी के? सर 9 साल बाद। 9 साल बाद हुए हैं। जी। और वहाँ आपको इतनी दूर कैसे पता चला जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में? सर ये वहाँ पे हमारे आए, जहाँ पे एक मैम करती है काम, दीपांकनी मैडम। अच्छा, वहाँ पे उनके, उनके फादर हैं, उनके फादर वहाँ पे डॉक्टर फादर हैं, तो अच्छा। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से आपको यहाँ पे पता चला। जी। आप लोग जब यहाँ पर आए और यहाँ की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजू त्यागी मैडम, उनसे पहली बार आप मिले? नहीं तो, तो जब आप लोग यहाँ पे मिले, उनसे अपनी सारी समस्या बताई कि हमको इस तरीके से प्रॉब्लम है, डॉक्टर राजू मैम ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? तो मैम जब, सर जब हम आए थे तो हमें मैडम नहीं मिली थी, डॉक्टर निहार का मैम मिली थी। तो उन्होंने आपको, उन्होंने, हाँ उन्होंने ये कहा था कि आप निराश मत होइए, आपको बच्चे मिले थे, हर हालत में आप यहाँ से, निहारिका मैडम ने कहा कि आपको बच्चे मिले, जरूर मिले, बच्चे जरूर मिले, जैसा उन्होंने कहा वैसा हुआ। हाँ सर, वैसे पहले ही प्रयास में 2 बच्चे आ गए। क्या कहना चाहेंगे निहारिका मैडम को और उनकी पूरी आईवीएफ की टीम को, जिनके कारण से आपने जो 9 साल सपना देखा था वो पूरा हुआ? सर उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम बहुत खुश हैं। और इस अस्पताल में मेरी जो, मेरा जो केस था सबसे सीरियस था। जी। सबसे सीरियस केस था। और पता है सारे, और क्या क्या दिक्कत थी आपके केस में? सर हमारे केस में जो है, मेरा जो फेफड़े थे, मुझे निमोनिया भी हो गया था, मेरा हार्ट वो बढ़ गया था। अच्छा। हाँ, और मेरे माइंड, लीवर में दिक्कत हो गई, लीवर मेरा बिल्कुल फेल हो गया था। जी जी। और जो मेरे माइंड में जो था, माइंड से मेरे ब्लड आने लगा था, नाक से बिल्कुल जवाब दे दिया था। मतलब आपको और भी बीमारियां थी? हाँ सर, और भी समस्याएं थी, सांस लेने में भी दिक्कत थी सर। जी जी। लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पे सफलता पूर्वक आईवीएफ हुआ और उसके बाद सफलता पूर्वक डिलीवरी डिलीवरी हाँ सर डिलीवरी ये संभव हो पाया है यहाँ की हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो टीम है उनके कारण ऐसा संभव हो पाया। क्योंकि आपका जैसा केस है जिसमें कई और भी बीमारियां होती है और साथ में डिलीवरी भी होती है, प्रेगनेंसी भी होती है, तो ऐसे केसेस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं जो कि नॉर्मल हॉस्पिटल या नॉर्मल नहीं हो पाते सर, कहीं नहीं होते, नर्सिंग होम या अस्पतालों में ऐसी डिलीवरी नहीं हो पाती। हाँ सर, नहीं हो पाती क्योंकि वो लोग केवल, मतलब इतनी सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर पाना सर, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सर ऐसा था कि मैं ऑक्सीजन पे थी जब मेरा बेबी, मैं वही कहना आपको चाह रहा था कि ये संभव हो पाया है, इतना सफलतापूर्वक ये जो हो पाया है यहाँ की हाई रिस्क प्रेगनेंसी की टीम है जिसके कारण से ये सब संभव हो पाया। हाँ सर, ये यहाँ पे हर तरीके का मैनेजमेंट है। हाँ, पेशेंट को और भी जो भी बीमारियाँ हैं उनके लिए भी डॉक्टर्स हैं। हाँ, तो कोई भी समस्या है और भी चीज़ वो भी मैनेज होती है और साथ में डिलीवरी भी हाँ, होती है। और वो उसका उदाहरण आप आज आप सामने हैं, आज आप स्वस्थ खड़ी हैं और दोनों बच्चे स्वस्थ सर हैं। मैं जब आईसीयू के अंदर गई थी, वेंटिलेटर मेरे पास आए थे, मैम मतलब सर ने कहा था वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, तो मैंने बस यही सोचा मुझे तो अब आना नहीं है इसके बाहर, बस मेरे बच्चे आ जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सर ने हमारा ऑपरेशन किया तो मुझे बेहोशी नहीं दी थी, उन्होंने अपनी टेक्निक से किया। जी, तो यही, यही फिर सब, मतलब जो यही मेरे बच्चे भी सलामत हैं कि हमारे यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो टीम है, डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर लावण्या, खुद डॉक्टर राजू त्यागी मैडम और एनेस्थेटिक्स और भी जो टीम में डॉक्टर्स हैं, ये सबका एक साथ जब सहयोग मिलता है तो इस तरीके की समस्याएं आसानी से निकल जाती हैं और अच्छे से मैनेजमेंट होता है। और इसी मैनेजमेंट के लिए जावित्री हॉस्पिटल जाना जाता है कि कैसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जिसमें मदर को कितनी भी दिक्कत हो और उन सब के बावजूद सफलतापूर्वक मदर को भी यहाँ से भेजा जाता है और बेबी भी सफलतापूर्वक होते हैं, सक्सेस हेल्दी बेबी होते हैं आज आपके सामने है। पर सर यहाँ के बच्चों का वजन भी ठीक इम्प्रूव हो सर, यहाँ के जो डॉक्टर हैं जी आईसीयू के जी, उन्होंने बहुत किया, बिल्कुल बहुत ये, किया ये सर पूरी टीम है। और ये जो मैम वगैरह हैं इन लोगों ने बहुत साथ दिया, ये मैम खड़ी है नीचे, मैम है, बहुत साथ दिया इन लोगों ने, यहाँ का स्टाफ। तो जावित्री की पूरी टीम का योगदान रहता है इस तरीके की सक्सेस के लिए जो आज आपको इतने साल बाद सफलतापूर्वक बच्चे हुए हैं। तो
और यहाँ पे सभी अस्पताल में सभी डॉक्टरों स्टाफ ने आपको पूरा सहयोग किया। जी पूरा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया और कोई दिक्कत नहीं, एकदम घर फैमिली जैसा हमारा हो गया। बिल्कुल, तो ये एक मैसेज है और लोगों के लिए जिनको और भी कई समस्याएं हैं, उम्र के साथ साथ और भी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, ब्लड प्रेशर, फेफड़ों में दिक्कत या और डायबिटीज, इस तरीके की सारी समस्याएं होती हैं और बच्चे को भी करना होता है अगर बच्चे नहीं है तो। तो आईवीएफ प्रक्रिया द्वारा बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन ये सब मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ये मैनेजमेंट वही होता है जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की टीम है उनका मैनेजमेंट है, और उसका उदाहरण आज आप हैं कि सफलतापूर्वक यहाँ से दोनों बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से और यहाँ की हाई रिस्क प्रेगनेंसी की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर।